कोराडी पोलीस ठाण्यांतर्गत परसवाडा कामठा येथील महेंद्र गजभिये यांना पत्नी व मुलासह 20 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास जादूखोर म्हणून मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. तर याची तक्रार नोंद न केल्याने गजभिये यांनी पोलिसांवर जातीवादाचा आरोप केला आहे. माझ्या जीवाला धोका असून सुद्धा आरोपी मोकाट फिरत आहेत. मी जागोजागी भांडी विकतो. कुटुंबाला धमकवण्याची भीती असतानाही प्रकरण दाबले जात आहे. त्यामुळे 10 सप्टेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांची व्यथा सांगितली. लवकर न्याय न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देखील विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम यांनी दिलाय. मेरे को जादूकोर बोलते, तू जादूकोर है करके. अच्छा. हाँ, मेरे मोहल्ले के लोग. अच्छा. गौरव पटले, उसकी बहन रूमरी थी, और रूमते हुए अपने बहन को मेरे घर पे लाया. हाँ. अच्छा. तू जादूकोर है, तू जादू करता है, तू मेरे बहन को सुधार के दे. अच्छा. उसके साथ में आकाश सेंडे भी साथ में आया था, और जो ताज महती की जो दीक्षा देता है वो राजेंद्र कावड़े, वो भी आए थे, और उनके साथ में करीब 30 से 40 लोग मेरे घर पे आए थे. मैं अपने घर पे खड़ा था. अच्छा. हाँ, मैं अपने घर पे खड़ा था दरवाजे के आगे. वो आए और मेरे पे रेस हुए और मेरे को बोलने लगे, तू जादू कर रहा है, तू जादू करता है, तू मेरे बहन को सुधार के दे. तो मैंने बोला कि भैया मेरे को जादू मंत्र आता नहीं, मैं तेरे बहन को कैसे सुधार के दूँ. तो आकाश सेंडी बोलता है और राजेंद्र कावड़े बोल रहा है, तू जादू कर रहा है, तू जादू करता है, तू उसको सुधार के दे. तो मैं रोते बिलखते उनको समझाया मैंने, फिर भी वो नहीं समझे. और फिर बाद में मेरे लड़के ने जब वीडियो बनाना चालू किया तो ये अपने आप वो जाने लगे. मेरे पास में वीडियो भी है. गौरव पटले ने और आकाश सिंडे ने, इन्होंने मेरे को मारे, मेरे को हाथ मुक्के से मारे, और मेरे मिसेस पे भी रेस हो गए, और मेरा जो लड़का है उसको भी मारे, मछिंदर गजभिये को भी इन्होंने मारे कि तू जादू करता है, तू जादू कर रहा है, और तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है ऐसा. फिर उस दिन मैं पुलिस में नहीं गया. शाम हो गई थी सर, शाम के 5 बजे घटना आई है. तो ये इन बातों को चर्चा करते हुए मैं सरपंच मुखर्जी, पुलिस पटेल, जो भी अपने गांव के जो मानवीय आदमी आते हैं उनको मैंने पूछा कि भैया ये वीडियो देखो और वीडियो के दायरे में मेरे को बताओ कैसा करना है, क्या करना है. तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा सबूत है, तुम्हारा वीडियो है, भैया तुम्हारी हम कोई सुरक्षा नहीं कर सकते और हम तुमको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते, आप रिकॉर्ड कर सकते हो. मैं उस रात को सर रुक गया, उस रात को रुका मैं, और 21 तारीख को सर मैं रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन गया. रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन जाने के बाद मैंने रिपोर्ट दिया. रिपोर्ट देने के बाद में उन्होंने NUC वगैरह दिए मेरे को कि सर आप ये NUC पकड़ो. उन्होंने बयान लिए मेरे से लिए, मेरे बच्चों से लिए, मेरे बीवी से बयान लिया सर. और उसके बाद में हम आ गए. आने के बाद में सर दूसरे दिन रावणवाड़ी के 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे को बोले कि गजभिये जी, बोले घटना कहाँ की है. सर बोला ये मेरे घर के सामने की, मेरे दरवाजे के आगे की. तो ठीक है, बोले गजभिये जी तो आपको बोले पुलिस स्टेशन आना है. ठीक है, बोला मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ. मैं दिन के 12 बजे गया था. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.